हेलो फ्रेंड, वेलकम टू असिस्ट वाले यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड की भूगर्भिक एवं भू संरचना पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो झारखंड के सभी होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, डिमना झील कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा डिमना झील पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम, जो पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में स्थित है। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ देख सकते हैं आप, डिमना झील जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है, यह कृत्रिम झील है। डिमना झील का प्रयोग टाटा स्टील ने जल संरक्षण के लिए यहाँ के निवासियों के लिए कराया था। यह झील पर्यटन स्थल का केंद्र है, मतलब यहाँ बहुत से लोग घूमने भी आते, पर्यटन स्थल बन चुका है यह स्थल। यह झील दरियामा पहाड़ी की तिलहाटी में है। यो जो झील है ये दरियामा पहाड़ी के तलहाटी में है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। यो झील जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? जो आपका हुंडरू जलप्रपात है उसकी ऊँचाई कितनी है? तो इसकी ऊँचाई 74 मीटर है। इसकी जो हुंडरू जलप्रपात की ऊँचाई है वो 74 मीटर है। उसके बाद इसका नोट में देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 74 मीटर है। हुंडरू जलप्रपात रांची से 36 किलोमीटर पूर्व अनगड़ा प्रखंड के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। यह जलप्रपात रांची के पठार में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इसका जो भारत का रूर प्रदेश है वो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, जलप्रपातों का नगर झारखंड के किस नगर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को जलप्रपातों का नगर कहा जाता है। जमशेदपुर को झारखंड राज्य में जलप्रपातों का नगर कहा जाता है। झारखंड के पठारीय क्षेत्र में अनेक प्रपात है जो नदी के बहाव मार्गों में मृदुल शैल के अपरदन या कठोर शैल के अवरोध के कारण बने हैं। तो जलप्रपातों का नगर किसे कहा जाता है? तो वो जमशेदपुर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठार की रचना किस प्रकार की चट्टानों से हुई है? तो जो छोटा नागपुर पठार के संरचना है वो लावा चट्टानों से हुई है, लावा चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ी में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ी में आपका मोतीझरा जलप्रपात स्थित है, मोतीझरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो आपका जमशेदपुर है वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, भटिंडा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? भटिंडा जलप्रपात जो है वो धनबाद जिले में स्थित है, धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ नंबर क्वेश्चन, पारसनाथ की पहाड़ी किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? जो आपका पारसनाथ की पहाड़ी है वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी ग्रेनाइट चट्टान से स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी ये गिरिडीह जिला के में स्थित है। पारसनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है 1365 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, 1365 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, रांची पठार की सर्वोच्च स्थल क्या है? रांची पठार की सर्वोच्च स्थल, तो जो रांची पठार है उसका सर्वोच्च स्थल नेतरहाट पाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार पर स्थित है? जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो आपका हजारीबाग पठार पर स्थित है, हजारीबाग। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर का पठार है वो पर्यायद्वीपीय पठार का,